ग्वालियर में बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जाता है क्या? तो उनकी जयंती आप मनाते नहीं है? नहीं, मैं बताया नहीं किसी। अच्छा, कैसे हो सम्राटो? हम जा रहे हैं फिर से ऑफिस। घर पे तो कुछ है नहीं दिखाने वाला, तो ऑफिस ही दिखाते हैं डायरेक्ट। आज खास दिन है। ये देखो, मजबूरी में ये पैंट पहन के आना पड़ा, इस पे हल्दी लग गई। पैंट धोना ही भूल गया, और जब आज देखा तो एकमात्र पैंट बचा था, तो यही पहनना पड़ा। क्या बात है, हुडी वुडी लग गई? अरे दोनों लोग हुडी पहने हुए हैं। इनका फोन आया तो बोलते हैं कि कितने देर में आ रहे हो, मैं 1 घंटे में आऊंगा। गलती से ऑन बज गया था। ये देखो दिल्ली वाले पत्रकार है, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ के प्रेस वार्ता होती है। दिल्ली से आए बड़े पत्रकार है। इनको देख रहे हो आप, दिल्ली से आए बहुत बड़े पत्रकार है, खास तौर पर इसी खबर के लिए आए हैं यहाँ पर। आज मास्क नहीं पहना आपने? मास्क पहनो, इसको जी का वायरस लग गया। हाँ, मास्क नहीं पहन रहे हो? दिल्ली से आया सर। आज है 15 तारीख, और 15 तारीख को जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 1929 को बहिष्कृत भारत का आखिरी प्रति प्रिंट हुआ था। तो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, और ना मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर में बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जाता है क्या? ऐसा नहीं मनाया जाता है क्या? वैसे तो मनाया जाता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर सारी पार्टी मनाने लगी है महापुरुषों को। सही बात है। और शुरुआत करने के लिए तो आपको पता ही है, मानवर कांजीराम साहब ने इसकी शुरुआत करी है, लोग महापुरुषों को जाने लगे। और दूसरा, उनके समाज के लोगों को पता है कि बिरसा मुंडा जी कौन है। क्यों युगल भाई, आपने देखा क्या जयंती मनाते हुए? बनाते हैं पर बड़े रूप में नहीं बनाते, मुझे ऐसा लगता है। कैसी बनाते हैं, मुझे साथ में ले जाओगे तब पता पड़ेगा। नहीं, ऑफिस में काम ज्यादा है ना, अभी ऑफिस का काम भी जरूरी है। कहाँ रह गए? दिख नहीं रहते अंधेरे में। चलो फिर, शाम हो गई है वैसे तो, लेकिन अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा तो पता चल ही जाएगा। हाँ, राशन बांटा था ना वो पीछे, उस साइड चलते हैं ना। चलो, वो घर है तो वहाँ हो सकता है कुछ डिटेल में पता चल जाए। ये थोड़ा वाइड नहीं है, क्वालिटी ठीक ठाक दिखती है, ग्लिच हो जाता है थोड़ा सा कभी। आज हम आपको गरीबों का बैंक दिखाते हैं, और आपने बैंक का नाम सुना होगा क्या? लेना बैंक? नहीं, देना बैंक होता है ना। देना बैंक होता है। यहाँ आपको लेना बैंक दिखाते हैं। लेना बैंक? अरे शटर खुला है अभी, अभी टाइम बचा है, अभी लोग निकल गया। अभी चार नहीं बजे ना, 5 बजे। वाह 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 मोदी जी वाह। यहाँ शादी वाले का कुछ सिस्टम चल रहा है। आओ, शादी वाला सिस्टम है ना ये? ये घर बन रहा था ना, यहाँ अपन ने राशन दिया था। क्यों? यहाँ कोई रहता है क्या? कौन है कोई अंदर? हाँ, आप भी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हो, तो आपको पता है आज बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है? नहीं पता? जो पिक्चर देखी आपने जय भीम? नहीं देखी पिक्चर? आप शेड्यूल ट्राइब से हो क्या? नहीं भैया, आदिवासी में, आदिवासी में आते हैं ना आप लोग। बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, आप जानते हैं उनको कौन है? वो आदिवासी थे। क्या किया था उनके बारे में, मतलब यहाँ पे जैसे ज्ञान नहीं है। जैसे बाबा साहब की जयंती होती है तो काफी लोग मनाते हैं, तो आदिवासी थे वो बिरसा मुंडा जी भी, तो उनकी जयंती आप मनाते नहीं है? नहीं, मैं बताया नहीं किसी। अच्छा, आदिवासियों का कुछ मतलब वो है, आज भी आदिवासी, आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो आपको पता है उनके बारे में? तो मना नहीं रहे आप जयंती उनका? अब यहाँ अकेले केदार मनाएंगे। तो यहाँ पे ग्वालियर में, भीमनगर में, भीमनगर में दूसरे वाले मोहल्ले में। अभी पिक्चर आई है जय भीम, वो देखी आपने? मोबाइल चलाते हो आप? मोबाइल है आपके पास? उसमें अमेजोन वगैरह पे मालूम है पिक्चर आई है? आपको ID पासवर्ड चाहिए उसका? दे दो। प्राइम वीडियो कहीं पे? गूगल पे? हाँ, दिखाओ। राजी ले जा, ले जा।
तो कोई यहाँ ओटीपी मांग रहा है और ओटीपी आता है इसके मोबाइल पे, इसको ही फोन लगाना सब। ओटीपी बताओ क्या है? आज ही लगाएंगे सारे लोग। और जो दिखाया गया है वो यही दिखाया गया है, किस प्रकार से एक जो गरीब तबके के लोग होते हैं, आदिवासी समाज के लोग होते हैं, किस प्रकार से उन पर झूठे केस लगाए जाते हैं। पिक्चर देखना तुम, किसका मोबाइल है ये? हाँ, ये बेस्ट मोबाइल है। फिर आप उसे क्लिक करोगे, पिक्चर चालू हो जाएगी और यहाँ से प्ले, ये फिल्म आएगी, इनके भी डाल दो। लो लो, बिरसा मुंडा जी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। जानते हैं उनको? ये नहीं पता था कि आज जयंती है। आज जयंती है, सुना तो बहुत है। यहाँ कितने परिवार हैं शेड्यूल ट्राइब्स के? अच्छा, और वहाँ कोई किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता। चलो देखो, आज तो निकल गए, अगले अगले साल से, अगले साल से आप नंबर ले लो, मेरा दीवार नंबर है, कभी भी अगले साल में तो हमें फोन करना। तो लॉक खोलना जरा उसका, ये लीजिए पासवर्ड, ये हो गया है। और इस पे यहाँ से ये पिक्चर जो बनी है ना जय भीम, ये आदिवासियों के ऊपर बनी हुई है कि किस तरह से उनको समस्या होती थी और किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। तो देखिए आप, लो ये ये लो, क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं करते। पढ़ाई लिखाई? पढ़ने आते हैं। कौन सी क्लास में? 9th में हो, तो पिक्चर देख लेना आज, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने ना 3-4 लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया है, वो जय भीम पिक्चर देखेंगे। और यहाँ पे नाम सुना था उनने बिरसा मुंडा जी का, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज ही जयंती है। एक और जगह जा रहे हैं, भीम नगर। मुझे लगता है भीम नगर ज़्यादा इन सब चीज़ों में बहुत क्रांतिकारी है। आओ चल के देखते हैं कितनी क्रांतिकारी है। आज प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम होता था भैया, ऐसा कौन को दो? तो यहाँ प्रोग्राम हुआ था और हम आने में लेट हो गए, बस देख रहे हैं अगर वहाँ पर अभी भी कुछ है तो कोई लोग मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। अरे बहुत नवटा को अब चालू होगा जी, प्रोग्राम लेना बैंक। अच्छा लेना बैंक यहाँ भी चल रही है क्या? लेना बैंक। अच्छा अच्छा, तो पूछेंगे भाई कभी प्रॉफिट हुआ लेना बैंक से, कितने का लोन मिल जाएगा जिंदगी वही जमा करते करते? और क्या, जमा ही कर रहे हो, मिल तो रहा कुछ नहीं रहा। कितने लोग थे यहाँ पे? काफी लोग थे। तो ये पूरे मतलब मोहल्ले के लोग ही थे? मोहल्ले के लोग थे सारे। माँ को पता बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था? जो लोगों ने बताया था तो उस टाइम पे हम लोग तो थे नहीं, मैं थोड़ा वहाँ था, गमी में गया था, तो हम तो अभी आता जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ मोहल्ले वाले लोग घर में उनकी तस्वीरें होती हैं बिरसा मुंडा जी की, दिखा सकते हो एक बार? जी मंगवा सकते हैं। नहीं, उनके घर में लगी हुई देखनी है। लाखन भाई साहब के पास। अच्छा, आज क्या है पता है आपको? 15 तारीख है। किसका जयंती है? जयंती तो नहीं मनाई थी, वैसे दिवस कुछ मनाया था। क्या? और आदिवासी कुछ था, बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा, उनको जानते हैं आप? आज जयंती थी उनकी। हाँ, तो ये जो मोहल्ला है ये पूरा जो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स का है। वैसे हम लोग नॉर्मली जो है वो कास्ट की बात नहीं करते, बट ये बस ये देखने आए थे कितने लोग जागरूक हैं, गन्ने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो देखा हमने वो यहाँ पर लेना बैंक वाले भी थे, बट इतनी जागरूकता नहीं है अभी। भीम नगर में बोल रहे थे काफ़ी लोग आए होंगे, लेकिन जो भी हुआ होगा शायद पॉलिटिकल हुआ होगा। भीम नगर बाबा साहब के नाम पे ही जगह का नाम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी ढंग से नहीं जानते लोग। हाँ, मतलब ये और जाटों में तो जानते हैं, शेड्यूल कास्ट में तुम्हें पता सारी जातियाँ अलग अलग, सब लोग जाति को मानते हैं, जाटव तो जानते, लेकिन आदिवासी है ना वो अपने किसी भी एक ही महापुरुष को नहीं जानते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये सिख पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। और यही कारण था फिल्म में कि जो उनको इतनी प्रताड़ित किया जाता और यही कारण है क्योंकि वो ना तो अपना हक जानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन का भी पढ़ा है। और मतलब मुझे लगता है वो जैसे जैसे अपना जीवनचर्या ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, और अगर लगता है पढ़े लिखे होते तो मुझे लगता है ज़्यादा कर पाते। हाँ, मतलब जैसे चोरी हो गई है, बड़ी चोरी किसी अधिकारी के यहाँ, अब नहीं पकड़ में आ रहे कोई भी, तो एक काम करो भीमनगर से किसी को देखो, आदिवासी को देखो, जाटव को देखो, जिस पर ज्यादा केस हो, मतलब पुराने केस में फंसा अच्छा, ऑलरेडी हैविचुअल ऑफेंडर है कोई, उसको उठा के लेगा, उस पर लगा दिए केस, अब वो आज ही नहीं उठाएगा। सही बात है, मतलब उसके पास अगर गलती से एक आध केस हो गया तो लाद देते होंगे केस, लाद देते हैं फिर। तो देख लो जो पिक्चर में जो दिखाया है ना वो यहाँ भी हो रहा है। जहाँ पहले गए थे वहाँ वो जयंती नहीं मना रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो ज्यादा सक्षम थे, मतलब उनका पास रोजगार था। हाँ। और जहाँ दूसरी बार गए हाँ। वहाँ ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ थोड़ा बहुत राजनीति हो रही है लेकिन पैसा नहीं है। रोजगार तो नहीं, पैसा सब पेन पे, आदिवासियों पे ज्यादा पैसा है,
अच्छा क्योंकि सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइल थे, सब अच्छे अच्छे मोबाइल, क्योंकि ये क्या है, ये सारे काम करते हैं शुरू से, मतलब छोटे स्तर से, मतलब कूड़ा बीनने वाले तक काम करते हैं ये, तो ये सारे मतलब उनके बच्चे अच्छे पढ़ने जाते नहीं। एक बोल तो रहा था वो नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या पढ़ रहा हूँ। अच्छा आपको पता था कि हमारे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे सामने देखो एक और लड़ाई हो रही है। एक लड़का है वो दारू पिया हुआ है, ज़्यादा यही लग नहीं रही, दूसरा उसको घसीटते हुए घर ले जा रहा है बट वो जा नहीं रहा है। देखो देखो मुझे क्या दिखा, आज के पेपर में भी आया था जनजातीय गौरव दिवस। सर गजब यार, ये चीज़ें तो कभी आती नहीं है, वो भी सरकार ने प्रिंट किया है, मध्य प्रदेश शासन। अच्छा अच्छा अच्छा, मोदी जी ने प्रिंट किया है और शिवराज जी ने, जनजातीय गौरव दिवस। फिर से आ गया हूँ और कोई नहीं है घर पे। ओ ये कौन है, वो कुत्ता है अंदर। आप हो, मुझे लगा डॉगी घुसे। आओ तो इधर तो आओ। हाय ना, आप कब आ गई? अरे दोस्त, ये उल्लू बनाते रहते हैं आपको, मैं तो कल रात को आ गई थी 10 बजे। और ये देखो ये कौन आ रहा है, तू कौन है, पहचानने में नहीं आ रही, बाल कैसे कर लिए? मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी। गट्टू 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 आ गया आ गया आ गया, ला पुच्ची। देखो आपको मजा आया ट्रेन में? हाँ। आपको ही लेकर। और तू बोलती रहती थी ना कि ये ना सब आपके लिए सामान भेजते हैं, आज तेरे लिए कुछ आया है। मेरे लिए? सही बताओ। सही में? झूठ तो नहीं बोल। तेरे लिए नहीं आया, तेरे लिए टेस्टिंग के लिए आया है, तेरे को टेस्ट करना है उसका। लाओ लाओ। सोच क्या होगा, टी-शर्ट होगी ब्लैक कलर की। क्या बढ़िया, ये देख। साड़ी। क्या हो गया? सब ट्राई करके देख चुके हो, तीनों के तीनों गमछे बना बना के। अच्छा देख ली तूने वीडियो? हां वही साड़ी है ये। तो ये टेस्ट करनी है, इनको चेक करना है, रेट यहाँ मिल रही है और हम इसको कैसे सेल कर सकते हैं। और कलर भी अच्छे हैं सारे। ये सिल्क की है ये? हाँ। ये प्योर सिल्क है, अच्छी वाली सिल्क है। आज मेरे लिए पनीर खा लूँ मैं पूरे। जब कोरोना चल रहा था ना तो मैं विदाउट फेल सुबह नहा के निकलता था और लौट कर नहा कर ही अंदर घुसता था, तो ठंड है तो भी नहाता हूँ मैं। वो दीदी है ना बिंदी बना रही है, इसमें आपको ना पेन से ना बनाना पड़ेगा। बिंदी इधर लाओ, इधर इधर रखो बिंदी, इधर बस, अब यहाँ से यहाँ लाओ। ठीक है आता हूँ, अब ऐसे कर दो। वाह, तालियां। दीदी हो तो ऐसी। आज मिलेगा अरंद का की पार्टिंग, अरंद की पार्टिंग कर दो बड़ा वाला। की पार्टिंग। बाय 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 बाय।